कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी है, जरा गम से तो फासले बढ़ने दो। उस दिन को तो गुदगुदी करने दो। काफी अच्छा चल रहा था, हम सभी लोग काफी खुश थे और फिर हमारे एग्जाम्स आ गए। पैथोलॉजी के लिए मैंने पूरे साल रॉबिन्स बुक पढ़ी थी, पर लेकिन इसकी दो वॉल्यूम होती है, दोनों बहुत बल्की होती है और दोनों में सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए एग्जाम के टाइम पे ये पूरा रिवाइज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रही थी। मैंने इसके टॉपिक्स सारे देख लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे अभी पढ़ने और कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। उसके बाद फिर मैंने जस्ट इसके टॉपिक्स देखे और नोट्स पे शिफ्ट हो गई। नोट्स वो जो मैंने पूरे साल अपनी मेहनत से बनाए थे, मैंने की है मेहनत, और ये नोट्स काफी कॉन्साइज था, इससे मुझे रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। सिंस एग्जाम के टाइम पे घर पे पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है MBBS में, इसलिए मैं पढ़ने के लिए रीडिंग रूम चली जाती थी जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी आते थे पढ़ने के लिए। और कल से मेरे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। कल मेरा पहला एग्जाम है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, पैथोलॉजी पार्ट वन। अब मुझे नहीं पता कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इतना बड़ा सिलेबस होता है, अब उसमें से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड ईयर का सबसे बल्कि सब्जेक्ट यानी कि पैथोलॉजी, ये सबके लिए नाइटमेयर से कम नहीं होती है। उसका एग्जाम हमारा हो चुका था और थैंकफुली वो एग्जाम मेरा अच्छा गया था। एग्जाम के बाद हम लोग आधे घंटे का ब्रेक लेते थे और उसके बाद फिर से पढ़ने लगते थे अगले एग्जाम के लिए। तो आप आज हमें रिव्यू बताइए, कैसा था पेपर, क्या हुआ? मैं यूट्यूब पर हूँ। या यू आर ऑन यूट्यूब लाइव। हाय एवरीवन, पेपर मेरा काफी सही सा गया, मतलब अच्छा नहीं बोलूंगा, मतलब मैंने जब पेपर दे रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं पेपर लगा लूँ, लेकिन जब मैंने ले करके निकला और जब मैं मार्क्स मिला तो मैं पास ही पेपर करने के पास। इस दुनिया की ताकत मुझे फेल कर सकती है, मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं कि MBBS इतनी भी मुश्किल नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। MBBS इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। आप देख ही रहे हो बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ के पास हो रहे हैं, वो भी साल भर पढ़ा है। इसकी शक्ल देख के लग रही है साल भर पढ़ा है, इसका दिमाग खाया साल भर में। ठीक है, हम लोग पैसे जाते थे अलग अलग पेपर से, वो जा के बैठ जाते थे दिन में माइक्रो यही सब पढ़ते रहते थे पागलों की तरह, तब जाके पास पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। अभी तो पेपर बन क्लैपिंग 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 और ये सड़ा सा मोबाइल। ऑनेस्ट कॉलेज टूर। हाँ, मेरा कॉलेज है, ये हमारे कॉलेज की कबूतर है जो कि पानी पी रहे, यही चिल्लू भर पानी यहाँ पे गिरा रहता है, वो यही पीते हैं। इसमें ये डूब के मरते हैं और हम भी डूब के मरते हैं। ये हमारा इस पे पता नहीं क्या करते हैं, लगा रखा है ऊपर टेंट, किसके लगाया डोंट नो, नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, एक्सेप्शन है बेटा, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। सोशल मेडिसिन पढ़ाई जाती है यहाँ पे, और ये हमारे लोगों ने इतना सुंदर जिसमें कुत्ते जा सकते हैं पर हम नहीं जा सकते, गजब बेइज्जती है। एग्जाम के टाइम पे ये हमारा रूटीन था कि हम सुबह 8 बजे कॉलेज जाते थे, कॉलेज में पढ़ते थे पूरा दिन और 6 बजे घर आ जाते थे और फिर दिन घर पे पढ़ाई करते थे। ऐसा ही चलता रहा काफी दिनों तक। फिर वो दिन आया जिस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, और वो दिन था लास्ट थ्योरी पेपर का। कैसा गया पेपर? एवरेज गया। दुर्गेश कैसा गया? एवरेज। दिलीप, राहुल कैसा गया? इतना अच्छा पेपर था कि हम करना ही पड़ा। मैंने सोचा था चीटिंग नहीं करूंगा, लेकिन अब एटलीस्ट मैं लास्ट में चीटिंग करना ही पड़ा, इधर से पूछा उधर से पूछा लेकिन पास। मेरा तो सही है, मैं तो पास हो जाऊंगा। ये तो बोल भी नहीं सकता है कुछ। एग्जाम चाहे कितना भी बुरा गया हो, सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि कल से अब उन्हें रोज किताबों के साथ स्ट्रगल नहीं करनी होगी। हमारे थ्योरी के एग्जाम्स खत्म हो गए, पर लेकिन अभी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था हमारी लाइफ का, क्योंकि प्रैक्टिकल बचा था।
मेरा पहला प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी का था। माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में हमें स्टेनिंग करनी होती है, लाइक जेडन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, और हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस बताओ, फाइनल कलर क्या आएगा, कल्चर मीडियम में कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, लैक्टोज फर्मेंटिंग नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कौन होते हैं, मैकॉन्की अगार क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होता है एंड ऑल। उसके बाद तीन टीचर्स के पास हमारा अलग अलग वाइवा होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। ये मेरा माइक्रोबायोलॉजी लैब है, यू कैन सी यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं, माइक्रोस्कोप स्टेन करने के लिए डाइज वगैरह रखे हुए हैं एंड सम सैनिटाइजर इज देयर, और यहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने वाइवा के लिए वेट कर रहे हैं। सिंस मेरा ये वाइवा हो चुका था, इसलिए मैं जा रही थी दूसरा वाइवा देने, और ये मेरा लास्ट वाइवा था, और उसके बाद फिर मेरी हो जाती छुट्टी। तो इस तरह से मेरे माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल खत्म हो गया, और मेरा अगला प्रैक्टिकल था फार्मा का। दूसरा प्रैक्टिकल मेरा फार्माकोलॉजी का था। फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में हमें सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करनी होती है, जिसमें वो हमें एक केस देते हैं और हमें उसकी डायग्नोसिस एंड उसमें कौन से ड्रग को यूज करेंगे वो लिखना होता है। उसके बाद स्पॉटिंग होते हैं, जिसमें हमें कुछ इक्विपमेंट्स दिखाए जाते हैं, हमें उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स हमें लिखने होते हैं। उसके बाद तीन तरीके का वाइवा होता है। पहला वाइवा डोजेस फॉर्म के ऊपर होता है, जिसमें वो हमें कुछ फॉर्म ऑफ ड्रग्स देते हैं, लाइक टैबलेट्स, स्पेंसूल, कैप्सूल, सस्पेंशन, इंजेक्शन, और वो हमसे उसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। दूसरा वाइवा हमारा होता है आईवी और आईएम इंजेक्शन पे, जिसमें हमें इंजेक्शन लगा के बताना होता है कि कैसे हमने इंजेक्शन लगाया है, और उसके रिगार्डिंग वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और तीसरा वाइवा होता है हमारा एचओडी मैम के पास, जिसमें वो अपने मन से कुछ भी पूछ सकती है, फार्माकोलॉजी की कोई सी भी टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। और चौथा वाइवा होता है हमारा एक्सटर्नल के पास, जिसमें वो हमसे जो चाहे वो पूछ सकती है, प्लस वो एक एथिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। हमारा प्रदर्शन जो रहा के पास भाई आज था हमारे पूछा हमसे वो ना हमें आता था उनका पता वो तो हमें खुद को भी नहीं पता था। नेक्स्ट बहुत दूर की बात है, जो मैम ने हमसे पूछा हमने उसका उल्टा जवाब दिया। मिले हमें कुछ हम लोग उनको पागल हम कुछ हमारे वही सभी काफी ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और मैं अपना वाटर बॉटल लाना भूल गई थी, इसलिए मैं नीचे जा रही थी कि अपने लिए कुछ पीने के लिए ले सकूं। मेरे कॉलेज में ये शॉप है जहाँ से हमें जो भी पीने के लिए खाने के लिए चाहिए होता है हम वहाँ से ले लेते हैं। टॉप पर मुझे अपने कुछ जूनियर मिले। सब वियर्ड हो गया यार, अच्छे से बताओ ना। राघव प्रीतम किलार 2021 बैच। और कैसे हो सब लोग? बस बढ़िया ही है। मजे में हो? हाँ। अरे मैं भी बढ़िया मजे में हूँ। ठीक है ठीक है। आई टुक दिस ड्रिंक बिकॉज दिस वॉज वीगन एंड कंटेन लेस शुगर। फिर मैंने रीडिंग रूम में थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि वहाँ पे कूलर लगा हुआ था और मुझे काफी गर्मी लग रही थी। ये मेरे कॉलेज का लाइब्रेरी है। फिर मेरा वाइवा हो गया और फिर मैं घर गई, तो उस दिन काफी बारिश हो रही थी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था उस दिन। मुझे बारिश की आवाज और उसकी खुशबू दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे एक मेंढक दिखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मेंढक मोटा मोटा सा था। आखिरी प्रैक्टिकल मेरा पैथोलॉजी का था। पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग्स में कई सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमें आंसर शीट में लिख के सबमिट करना होता है। ये जो कंटेनर है उसे हम यूज करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करने में, आरबीसी काउंट करने में और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करने में। पैथोलॉजी के वाइवा में हमारे सामने कुछ स्पेसिमेंस रखे होते हैं, जो कि पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं, और हमें ये बताना होता है कि इस स्पेसिमेन में कौन सी पैथोलॉजी है, और एक्सटर्नल हमसे उस स्पेसिमेन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पैथोलॉजी के स्पेसिमेन काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है। मुझसे माइक्रोनोड्यूलर लिवर सिरोसिस के स्पेसिमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और एक वायल दी थी जो कि ग्रे कलर के कैप के साथ थी, और मुझे ये बताना था कि इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। प्रैक्टिकल्स में हमें लिशमैन स्टेन करना होता है ब्लड स्मियर में, और उसे डीएलसी करनी होती है। फिर हमें एक स्लाइड दी जाती है, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस चीज की स्लाइड है। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस और ब्लड ग्रुपिंग, बस यही प्रैक्टिकल्स हमारे पैथोलॉजी में होते हैं।
लास्ट में एक टेबल वाइवा होता है जिसमें हमने जो कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हमसे टीचर्स करते हैं। सो पैथोलॉजी के पेपर के साथ साथ मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक माय डॉग सिम्बा, जिसने मुझे फार्माकोलॉजी पढ़ाई इतने अच्छे से कि मैं उसमें पास हो सकती हूँ।